वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सब तो पहला एक गल जरूर करनी चाहांगा कि साड़ी समाज दे विच कुछ भुलेखे पाए जा रहे ने, जिस दिन मैं पहले बोलना शुरू किया मैनू याद है कि मैं उदो बी एस सी की सी अजे तो कभी स्टेज पर बोलिया नहीं सी। ढाडी सिंह गुरुद्वारे के लगे हुए सन, उन्होंने एक गल कही कि गुरु तेग बहादुर साहब तक तो सिख होए ने, उस तो बाद सिंह हो गए। अंदरों अंदर मैं बहुत मन च रोस भी पैदा होया क्योंकि कभी बोलिया नहीं सी, झिझक भी सी। गुरु अगे अरदास की मैनू भी बोलने का मौका दो। उस अरदास के सदका अज भी मैं तो आप जी के सामने हाजिर हो। जे कोई घट वध कह जावा तो सब तो पहला मैं खिमा की याचना कर देवा, जे किसी नूं कोई गल चुभे मेरी मैं उसकी पहले ही माफी मंग लैना। जदों असीं गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जिथों तक देह दा कलचर उथों तक चलते हाँ तो असीं ये सोच के चलते हाँ जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। उही जोत है, उही जुगती है। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर साहब के पोते ने, पुत्र ने सारे गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोते। हुण पोता ते पुत्र, पोता ते पुत्र दोनों के करैक्टर देख लो, दोनों जुलम के विरुद्ध हथियार चकते हैं। दोनों हथियार कदों चकते हैं? जदों पहला गुरु अर्जन देव जी की शहीदी होती है, बाद गुरु तेग बहादुर जी गुरु साहब जफरनामे कहते हैं चूकार अजमा ही दर्द जस्त हलाल अस्त मुद्दन का शमशीर दस्ते। आप जी ने आयत बड़ी बार सुनी, जदों प्यार के हीले खत्म हो जाए तलवार का चुकना जायज है। हुण गल ये आती है कि गुरु ग्रंथ साहब या गुरु का काम जिहड़ा है वह की है, सानू की सिक्ख्या देनी चाहता है। बड़ी साफ ते स्पष्ट गल है विच दुनिया सेव कमाइए दा दर कह दर्शन पाइए। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। गुरु ग्रंथ साहब का कॉन्सैप्ट कितों शुरू होता है? एक ओंकार तो शुरू होता है कि नानक नाम मिले तो जीवन तन मन थीवे हरिया तक कर जाता है। जे असी गुरु ग्रंथ साहब का कॉन्सैप्ट दिमाग दे विच लैके आना भी चाहिए भी की है, तो सानू मूल मंत्र नूं पढ़ लो, उन्हें विच ही सारा कुछ मिल जाता है। हर चीज के दो रूप होया करते हैं। दरख्त तुसी देखते हो उसके भी दो रूप ने। पहला रूप है उसका जड़, दूसरा रूप है जो दृष्टिमान रूप आप जी नजर आ रहा है। पत्ते हैं, टाणियां ने, फल ने, फुल ने। इसे तरह मकान के भी दो रूप ने। पहला रूप है नींव, दूसरा रूप है जो दीवारां छत या जो कुछ भी तुसी नजर जो कुछ भी तुहानू नजर आता है। असीं इसनूं सौखे शब्दों में कहांगे दृष्टमान ते अदृष्ट रूप। निर्गुण रूप जो है वो अदृष्ट रूप है। मनुख के भी दो रूप ने, एक आत्मा ते एक शरीर है। एक आत्मा ते एक शरीर है।
आत्मा जो है वो शरीर का निर्गुण रूप है, अदृष्ट रूप है, ते दृष्टमान रूप जो है आत्मा का वो तुहाडा शरीर है। इसे तरह परमात्मा के दो रूप ने, एक कुदरत है ते दूसरा संसार, तुसीं देख कादर और कुदरत। हुण निर्गुण रूप नू देखण दे लई, लभण दे लई, माफ करना विशा थोड़ा जा औखा है, जे किते किसे नू कोई सवाल दी लोड़ पै जावे तो मैं बेनती कर दिया विचे ही खड़े होके हाथ खड़े करके विशा पूछ लियो, गुरु ने जिन्नी कुछ समर्थ बख्शी है उहदे हिसाब से कोशिश करांगा। कुदरत ते कादर, हुण कादर नू लभण दे लई हिम्मत कर हिम्मत करनी पवेगी, मेहनत करनी पवेगी। हां एक गल जरूर है कि काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आया चिंता, कली काल ना नाल नहीं मिलता। मैं थोड़ी जी गल होर भी क्लियर कर दिया, इत्थे जपजी साहब असीं रोज पढ़ते हाँ, जपजी साहब दे विच पहलियां पंज पौड़ियां ने जिहड़ियां कि असीं आम शुरू तों ही बच्चियां नूं याद कराने की कोशिश करते हैं, उहदे च इक दुख आउंदी है, गर्मी आवे कपड़ा लदरी मोख दुआ। कदी इस दुख दे उत्ते थोड़ा जिहा विचार करो, तुहाडे कर्मां करके तुहानूं शरीर चंगा मिल सकदा है पर उसकी नदर दे नाल उसकी मेहर दे नाल मुक्ति दे द्वारे ते पहुंचा जा सकदा, मुक्ति नहीं मिलती। नदरी मोख द्वार तनासरी राग दे विच नामदेव जी बड़ी कमाल दी शब्द उच्चारण करते हैं, सारे ही वैसे शब्द कमाल दे हैं पर इस पर आए शब्द है पहल पुरिए पूर्वक बना ताचे पंसा सगले जना। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਣਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਉਹ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੋ ਦੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਣਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੁਣਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸਦੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਮ ਕਾਰਨ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਮਿਲਿਓ ਆਇਆ ਚਿੰਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਗਧਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਗਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਗਧਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਗਧਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿੱਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ